हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटर में एडमिशन के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई किए थे तो उसका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे कि आपको न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से ये पता चला होगा कि 11 बजे से आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तक वेबसाइट क्रैश हो गया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, ofssbihar.in। ठीक है, ये वेबसाइट क्रैश हो गया है। ठीक, क्योंकि क्रैश होने का रीज़न ये भी है क्योंकि वेबसाइट पर डेटा को अपलोड किया जा रहा है, इस वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, गूगल पे सर्च करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीमेशन लेटर है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्वर एरर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप मेन वेबसाइट भी ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मेन वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड का अभी का नहीं है, ये हर बार होता है। जब टाइम देते हैं तो उस टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, स्टूडेंट्स को सिर्फ परेशान करना जानते हैं। अगर आप टाइम 11 बजे का दिए हैं तो आप 11 बजे अपलोड करें ना, आपको पूरा कंप्लीट करना चाहिए ना पहले ही। आपके डेवलपर को, जो आपका मतलब कि डेटा को अपलोड करते हैं डेवलपर, उससे पूरा कंप्लीट करके रखना चाहिए ना। अब बिहार बोर्ड ने टाइम दिया है 11 बजे का और अभी कितना हो रहा है, 11:10 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो परेशानी करना हुआ ना एक तरह से स्टूडेंट के साथ, ये धोखाधड़ी हुआ। ठीक है, अगर आप टाइम दिए 11 बजे का तो आप 11 बजे अपलोड करें ना, उस टाइम तक आप पूरा कंप्लीट कर लें अपना जो भी है। क्या जो था आपका मतलब कि वेबसाइट क्रैश कर गया है, ऐसे थोड़ी होता है। बिहार बोर्ड को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स है बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं कि उसका इंटीमेशन लेटर कब आएगा, कब वो एडमिशन लेंगे। फालतू का न्यूज़पेपर में डाल देते हैं या बिहार बोर्ड अपना सूचना जारी कर देता है कि हाँ इतने तारीख को इतने बजे आ जाएगा, तो कहाँ आता है। ऐसे ही होता है रिजल्ट में, रिजल्ट के टाइम में भी ऐसे ही होता है। रिजल्ट का टाइम देते हैं और वेबसाइट क्रैश कर जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जब 10 बजे ओपन किया था तो ये वेबसाइट ओपन हो रहा था, अभी ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी परेशान ना हो, आप लोग को भी परेशान नहीं होना, आप लोग परेशान हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो ये वेबसाइट का बग्स है क्योंकि ये वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है, इस पर डेटा को अपलोड किया जा रहा है, तो टाइम लग सकता है। मैं यहाँ पे आपको कंफर्म टाइम नहीं बताऊंगा कि इतने बजे तक डेटा को अपलोड कर दिया जाएगा और इतने बजे तक आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये कोई कन्फर्म नहीं बता सकता है और मैं आपको पूरा ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आज आ जाएगा, आज ही आएगा तो कितने बजे आएगा, इतने बजे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं क्या बोला गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 बजे जारी की जाएगी, 11 बजे, 11 तो बज गया ना, कहाँ आया है, वेबसाइट क्रैश क्यों कर गया है, ये बिहार बोर्ड को सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। वेबसाइट को ऐसा बनाया जाए कि कोई भी ओपन करे तो ओपन हो जाए। ठीक है, और टाइम पे ओपन हो। और भी वेबसाइट है, और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, सीबीएसई का हो गया, जो टाइम बोलते हैं उस टाइम पे रिजल्ट आता है, उस टाइम पे फॉर्म अप्लाई होता है। ऐसे ही हुआ था आपके ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में, ऐसे ही हुआ था ना, टाइम दिया गया था कुछ कितने दिन के बाद अप्लाई हुआ था। तो सेम इसी तरीके से आप देखिए, इंटीमेशन लेटर का टाइम दिया था आज का कि 18 अगस्त को 11 बजे जारी कर दिया जाएगा, बट 18 अगस्त हो गया, 11 भी बज चुका है, अभी तक वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, तो आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि आप डाउनलोड कैसे करेंगे। ठीक है, आपको सिंपली एक वेबसाइट पे आ जाना है, मैं उस वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, बिहार हेल्प की वेबसाइट पे, बिहार हेल्प की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिलने के बाद आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कभी अभी कमिंग सुने यहां पे, जब यहां पे आ जाएगा तो यहां पे आपको लिंक एक्टिवेट दिखाई देगा, तो आप यहां पे क्लिक हेयर करके अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब भी आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का आ जाएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए नहीं बताया हूँ कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, आप प्लीज़ थंबनेल पर मत जाना। ठीक है, थंबनेल क्लिकबेट होता है, यूट्यूब पर व्यूज लाने के लिए करना पड़ता है सभी को, तो इसलिए आप थंबनेल के बारे में मत बोलना कि आपने थंबनेल तो ये बनाया है और अंदर वीडियो का कुछ और है, तो आप ये मत सोचना। ठीक है, थंबनेल मैं आपको सही जानकारी देने के लिए बनाया हूं। ठीक है, इसलिए आपको उस चीज पे भी ध्यान नहीं देना है और आपको घबराना नहीं है। जब भी आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी वेबसाइट काम नहीं कर रहा, मैं बार बार रिफ्रेश करके देख रहा हूं, अभी भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको एक बार और दिखाता हूं, ओ एफ एस बिहार
ओपन करके, ठीक है, जैसे कि मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे ओपन करने का, तो आप यहाँ पे देखेंगे इंटीमेशन लेटर का एक सेक्शन आ गया है, बट यहाँ पे अभी भी सर्वर एरर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे डेटा को अपलोड किया जा रहा है। तो डेटा कब तक अपलोड करेंगे, ये बिहार है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो भी डेवलपर होते हैं बहुत सस्ते वाले होते हैं, ठीक है, उसको कुछ पता होता नहीं है। अगर उसी डेवलपर को कुछ पैसा ज़्यादा देंगे तो वो अपना काम टाइम पे करेंगे, लेकिन यहाँ बिहार बोर्ड है, ज़्यादा पैसा देते नहीं है डेवलपर को, तो डेवलप कहाँ से करेंगे, वेबसाइट क्रैश है क्योंकि डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जा रहा है। अब ये नहीं हो कि इस वेबसाइट ही क्रैश कर जाए, वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाए, दूसरा वेबसाइट ओपन कर दिया जाए, क्योंकि सस्ता में काम ढूंढ रहा है बिहार बोर्ड, सिर्फ स्टूडेंट से पैसा लेना जानता है लेकिन काम सही तरीके से करना नहीं जानता है। अगर डेवलपर को सही टाइम पे पैसा देता तो वो अपना काम पूरा टाइम पे ही करते हैं, ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर लें, इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं।